आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। अतीक और अशरफ के आतंक कांत तो हो गया, लेकिन कई सवाल उसके पीछे छूट रहे हैं। अभी भी ऐसे सवाल हैं जो पब्लिक डोमेन में पूछे जा रहे हैं, खासतौर से जिन कनेक्शंस को लेकर एटीएस की टीम जांच कर रही थी, वो सभी कनेक्शन जिनको लेकर राज उगल रहे थे अतीक और अशरफ, वो राज अब राज रह गए हैं। न जाने उनकी कड़ी अब जांच एजेंसियों को कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। लेकिन जो अतीक और अशरफ का हत्याकांड केस है, इसको लेकर अब एक लेटर की एंट्री हो गई है, खुफिया खत की एंट्री हो गई है, और ये खुफिया खत बहुत ही सस्पिशियस तरीके से इसकी चर्चा शुरू हुई है। दरअसल अतीक अहमद को जब गुजरात के साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था, अतीक ने एक नहीं बल्कि कई बार कहा था कि ये सब कुछ प्लानिंग है, ये सब कुछ मुझे मारने के लिए हो रहा है और मुझे पूरा प्लान पता है, ये लोग मेरी जान ले लेंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसी तरह से अशरफ ने कहा था कि ये सब कुछ सोची समझी इनकी रणनीति है, ये जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अशरफ ने कहा था कि पुलिस का एक अधिकारी मुझे कह रहा था पिछली बार तो तुम बच गए, अब देखना अगले 15 दिन में तुम्हारा काम कर देंगे, यानी कि तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी। जब अशरफ से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि भाई कौन वो अधिकारी है, तो अशरफ ने कहा नहीं नहीं मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ एक पुलिस अधिकारी ने मुझे धमकाया है, मुझे लेकर ऐसी बात कही है। जब ये बातें हुई, चूंकि अतीक और अशरफ तो अब नहीं बचे हैं, उनकी हत्या कर दी गई है, वकील जरूर सामने आ रहे हैं और वकील बता रहे हैं कि अशरफ ने एक लेटर लिखा था, लेटर बंद लिफाफे में है और वो लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम लिखा गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के नाम लिखा गया है और लिखा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम। इनमें कुछ बड़े नामों का जिक्र है और कहा यह जा रहा है कि इनमें बड़े नाम कुछ अधिकारियों के हो सकते हैं, इनमें कुछ बड़े नाम सफेदपोश के हो सकते हैं, और उन नामों को लेकर खुलासा अशरफ करना चाहता था। अशरफ ने यह भी कहा था अपने वकील से, जैसा कि वकील का कहना है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए अगले 15 दिन में, तो ये बंद लिफाफा ये उन लोगों तक पहुंचा देना जिनके नाम मैंने खत लिखा है। अब खत, चूंकि अतीक और अशरफ तो बचे नहीं है, अब ये खत किसके पास है, कैसे उन लोगों तक पहुंचेगा जिनके नाम ये खत लिखा गया है, ये सब कुछ सवाल बना हुआ है। और अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अशरफ ऐसा कौन सा वो खुलासा करने वाला था, ऐसी कौन सी वो बात कहने वाला था जो उसने अपने वकील तक को बताई नहीं है। एक पुलिस अधिकारी का जिक्र उसने बार बार किया और यही पुलिस अधिकारी का जिक्र उसने अपने वकील से भी किया है। वकील का बयान बता रहा है कि खत में कुछ बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। इंडिया न्यूज़ लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस केस में, जो सवाल हैं, जो वाजिब सवाल हैं वो भी उठा रहा है, उन सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक कोशिश ये भी है कि उस लेटर तक पहुंचा जा सके, बंद लिफाफे में क्या है उसकी जानकारी सामने आ सके, लेकिन बंद लिफाफा इस बड़े कांड में एक बड़ा ट्विस्ट जरूर ला सकता है। प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था, उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाएगा, तो जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचो, लेकिन 15 दिन तुमको जेल से निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इस बाबत ये जानकारी उन्होंने मीडिया को भी दी थी और उसके द्वारा हमें प्राप्त हुई थी। इस बाबत जानकारी लेने के लिए मैं जिला जेल बरेली उनसे मुलाकात करने भी गया था, तो वहां उन्होंने मुझे बताया था किसी अधिकारी ने जो है उनको धमकी दिया था कि 15 दिन में तुमको बरेली जेल से निकाल तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा काम तमाम करवा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा था उस अधिकारी के नाम, तो उन्होंने नहीं बताया और कहा कि आप मेरे अधिवक्ता हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और उन्होंने मुझसे ये बताया था कि जब ऐसी कोई घटना मेरे साथ घटित होगी या मेरी हत्या होगी, तो बंद लिफाफा सीजीआई सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई हाईकोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या हुई और तीनों हत्यारे, किस तरह देखते हैं इसको? ये राजनीतिक साजिश और बहुत बड़ी साजिश के तहत हत्या कराई गई है। जिन शूट आउट में शूटर शामिल थे उनसे किसी प्रकार कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी। अभी उमर जो है जेल में बंद है।